दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड में दोस्तों यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ दोस्तों, कंपटीशन लगा हुआ है, जहां पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों जियो गीगा फाइबर ने अपने प्लान्स को बहुत सस्ता कर दिया और अनलिमिटेड कर दिया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ने भी अपने धमाकेदार प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिए। 499 रुपए से स्टार्ट होते हैं, जियो 299 से स्टार्ट होते हैं। दोनों ही दोस्तों तगड़े तगड़े ऑफर दे रहे हैं, ओटीटी दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, आज दोस्तों दोनों की डिटेल में कंपेरिजन करेंगे। एक तरफ होगा जियो गीगा फाइबर के नए प्लान, एक तरफ होगा एयरटेल एक्सट्रीम के दोस्तों नए प्लान। देखेंगे दोस्तों दोनों के प्लानों में कितना अंतर है, कौन सा दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ब्रॉडबैंड या दोस्तों फाइबर ब्रॉडबैंड बेसिक नेसेसिटी हो चुका है दोस्तों, हमें एक अच्छा फाइबर ब्रॉडबैंड चाहिए। इंडिया में 250 कंपनी काम करती है, लेकिन टॉप मोस्ट कंपनीज की बात करी जाए दोस्तों, जो सबसे बड़ी कंपनीज है, तो वहां पे दोस्तों एक तरफ आता है जियो गीगा फाइबर, एक तरफ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। दोनों ही दोस्तों बोलते हैं ना इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में आते हैं। दोनों ने दोस्तों अपने प्लान को रिसेंटली ही चेंज किया है। सबसे पहले कुछ दिनों पहले दोस्तों जियो गीगा फाइबर ने अपने नए प्लान लॉन्च कर दिए। सबसे ज्यादा मैं उसको क्रिटिसाइज करता था फ्रेंड्स को कि अनलिमिटेड कुछ भी नहीं था वहां पे, लेकिन अब दोस्तों जियो गीगा फाइबर सस्ते प्लानों के साथ और अनलिमिटेड 200 डेटा की ऑफर के साथ और एक साथ एक महीने के लिए फ्री भी दे गया है, बहुत सारी चीजों के साथ दोस्तों नए प्लान के साथ आ चुका है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अब दोस्तों ये सबको कॉम्पिटिशन देता है और सबसे बेस्ट ऑफर भी लगता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ने भी कल ही दोस्तों अपने प्लान अनाउंस कर दिए, वीडियो बना के बता चुका हूं। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के 499 और बाकी के सारे प्लान, कौन कौन से ऑफर मिलेंगे, सेट बॉक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी दोस्तों दोनों कंपनी में लगी होती है। तो चलते फटाफट से दोस्तों शुरू करते हैं, दोनों को ही कंपेयर करते हैं और देखते हैं दोनों में से दोस्तों कौन सा है बेस्ट डील आपके लिए। फ्रेंड चलिए फटाफट से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो दोस्तों हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों देखेंगे यहां पे एक तरफ हमने जियो गीगा फाइबर की वेबसाइट खोल रखी, दूसरी तरफ दोस्तों यहां पे एयरटेल एक्सट्रीम की दोस्तों वेबसाइट खोली हुई। लेकिन बता दूं दोस्तों वेबसाइट के ऊपर मोस्टली सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ ऐसी हिडन चीज होती है जो एयरटेल की वेबसाइट में मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन जियो की वेबसाइट पर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज आपको देखने को मिलती है। अगर आप जियो फाइबर का प्लान लेते हैं दोस्तों, फाइबर कनेक्शन लेते हैं, नया कनेक्शन लेते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो ऑप्शन यहां पे दिए जाएंगे, दो ऑप्शन होंगे ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ऑप्शन वन में क्या होगा दोस्तों, आपको 2500 रुपए एक रिफंडेबल अमाउंट देनी है, 2500 रुपए, उसके अंदर 1000 रुपए इंस्टॉलेशन का होगा, वो कट जाएगा याद रखना, लेकिन 2500 रुपए दोस्तों आपको रिफंडेबल अमाउंट देनी है, वन टाइम अमाउंट देनी है, जहां पे आपको यहां पे 4K सेट टॉप बॉक्स मिलता है, वाईफाई मॉडेम मिलता है दोस्तों, उसके साथ साथ आपको यहां पे क्या क्या मिलता है, उसके साथ साथ पहले 30 दिन तो आपको फ्री मिलने वाला, यस 30 डेज आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 150 एमबीपीएस की स्पीड, अनलिमिटेड डेटा। और बता दूं अनलिमिटेड की डेटा की जो डेफिनेशन जियो में है वो 3.3 TB यानी 3500 GB है, जो मोर देन इनफ है, आपको टेंशन नहीं, मतलब अनलिमिटेड डेटा। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहां पे ओटीटी का एप्लीकेशन मिलेगी, ऑलमोस्ट 10 जितनी एप्लीकेशन दोस्तों आपको यहां पे मिलती है, जो आप यहां पे फ्री में यूज कर सकते हैं, और अनलिमिटेड कॉल्स मिलते हैं। ये 2500 वाला है, 1500 अगर आप थोड़ा कम देते हैं 1000 रुपए, तो 1500 में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 1500 में दोस्तों आपको वाईफाई राउटर तो मिलेगा, लेकिन सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलने वाला है। प्लस उसके साथ आपको 0 पैसा नहीं लगेंगे, मतलब एक महीने के लिए फ्री मिलेगा, प्लस आपको यहां पे 150 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है, इसमें ओटीटी एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप ओटीटी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं और सेट टॉप बॉक्स चाहिए, तो आप 2500 वाले में चले जाना, 2500 वाले में आपको सारा मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहां पे प्लान ले सकेंगे। प्लान दोस्तों यहां पे 399 से स्टार्ट होते हैं, 8499 8500 तक जाते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। वैसा ही दोस्तों कुछ यहां पे बात करें तो यहां पे एयरटेल के साथ भी, एयरटेल ने दोस्तों अपने यहां पे सारे के सारे प्लान लॉन्च कर दिए। सिटी आपको ऊपर से चूज कर लेना, फिलहाल मैं गुड़गांव दिखा रहा हूं, यहां पे अलग अलग सिटीज दोस्तों आते हैं, यहां पे उसके हिसाब से आपको यहां पे करना है। प्लस यहां पे प्लान जो है दोस्तों एंटरटेनमेंट प्लान है, अलग अलग प्लान से सबसे सस्ते में सस्ते प्लान की बात करें तो वो अनलिमिटेड प्लान जिसको बोला जा रहा है दोस्तों, वो है यहां पे 499, ये सबसे सस्ता प्लान दोस्तों यहां पे है, जहां पे आपको 40 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है, उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन ये अलग अलग प्लान से दोस्तों यहां पे, लेकिन अगर सेट टॉप बॉक्स की बात करें, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है कि आपको सेट टॉप बॉक्स भी फ्री मिलेगा, लेकिन दोस्तों सेट टॉप बॉक्स यहां पे फ्री नहीं है, एयरटेल एक्सट्रीम में सेट टॉप बॉक्स फ्री नहीं है, यस उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा दोस्तों, ये आर्टिकल में आप देख सकते हैं, यहां पे एयरटेल एक्सट्रीम बंडल व्हिच इज ऑफरिंग एयरटेल एक्सट्रीम 4K बॉक्स इज नॉट कंप्लीटली फ्री, यू हैव टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500 टू गेट द बॉक्स। दोस्तों आप देखेंगे आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एयरटेल एक्सट्रीम का बॉक्स मिलेगा, ये रिफंडेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लेकिन 1500 आपको देना पड़ेगा। एक तरफ जियो के अंदर दोस्तों आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे, जहां पे आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा, 1500 वाले ऑफर में जाएंगे तो सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे एयरटेल एक्सट्रीम में आपको 1500 देना पड़ेगा, तब आपको सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। राउटर तो मिल ही रहा है, लेकिन 1500 में आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, यस। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, कंपैरिजन आप करते हैं दोस्तों, प्लान की कंपैरिजन करते हैं,
प्लान 499 से दोस्तों इनका प्लान स्टार्ट होता है एयरटेल एक्सट्रीम का, जहां पे आपको 40 Mbps की स्पीड मिलती है, अनलिमिटेड डेटा बोला जाता है। लेकिन एयरटेल भी दोस्तों अनलिमिटेड डेटा के नाम पे फेयर यूज पॉलिसी लगातार 3.3 TB डेटा देता है, यानी जितना जियो देगा उतना ही डेटा दोस्तों एयरटेल में मिलेगा। स्पीड में फर्क आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे 40 Mbps की स्पीड मिलेगी 499 के प्लान के अंदर। और दोस्तों बता दो कि यहाँ पे OTT एप्लीकेशन वगैरह आपको इस प्लान में नहीं मिलेगी। अगर OTT एप्लीकेशन देखनी दोस्तों आपको, तो जियो एयरटेल के 1499 या उससे ऊपर के प्लान में जाना पड़ेगा। यस, 1499 या उससे ऊपर के प्लान में जाओगे तब जाके आपको OTT मिलेगा। तो फिलहाल इन प्लानों में OTT नहीं है। 499 का प्लान आपको 40 Mbps देता है, 100 Mbps वाला प्लान 799 रुपए आपको देता है, 799 में आपको 100 Mbps अनलिमिटेड मिलता है। अगर बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे जियो की, तो जियो का सबसे सस्ता प्लान यहाँ पे 399 का प्लान है, लेकिन 30 Mbps की स्पीड मिलती है। 30 Mbps दोनों में 100 रुपए का फर्क है। एयरटेल आपको 499 दोस्तों लेता है, 399 लेता है, लेकिन एयरटेल 40 Mbps देता है, जियो आपको देता है यहाँ पे 30 Mbps की स्पीड। बाकी अगर बात करें दोस्तों 100 Mbps के प्लान में, तो यहाँ भी 100 रुपए का फर्क आता है। एयरटेल आपको दोस्तों यहाँ पे 799 चार्ज करता है दोस्तों यहाँ पे। और अगर बात करते हैं दोस्तों जियो की, तो जियो आपको चार्ज करता है 699 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फर्क चेंज कब होता है, जब 999 की बात करते हैं, तो 999 में आपको जियो दोस्तों 150 Mbps देता है, लेकिन एयरटेल आपको 999 में यहाँ पे 200 Mbps देता है। तो थोड़ा बहुत 100 रुपए का फर्क यहाँ पे आता है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। स्पीड में दोस्तों दोनों की दोनों एक ही, ऑलमोस्ट एक जैसे प्लान आपको देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जियो में कुछ एडवांटेज मैंने यहाँ पे देखने को मिले। अगर जियो में दोस्तों अगर यहाँ पे आप जाते हैं मंथली, अगर दोस्तों कोई प्लान लेते हैं, तो मैं मंथली पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मंथली में दोस्तों अगर आप एक एक महीने के लिए अगर पैसा देंगे तो आपको क्या मिलेगा। 399 का ही प्लान लेता हूँ, 399 के प्लान में अगर आप मंथली जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस GST। तो याद रखना दोनों ही प्लानों में दोस्तों, 399 का प्लान हो या एयरटेल का 499, GST एक्स्ट्रा आपको गिनना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको GST के साथ दोस्तों ये पड़ेगा 470 रुपए का, लेकिन 30 दिन की वैलिडिटी, यहाँ पे 30 Mbps की स्पीड, अनलिमिटेड डाउनलोड और अपलोड आपको मिलने वाला है, सेम स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा बोला जा रहा है, जो 3.3 TB होगा यहाँ पे, वॉइस आपको फ्री मिलेगा, लेकिन OTT एप्स आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ भी OTT एप्स दोस्तों आपको महंगे वाले प्लान में मिलती है 999 से ऊपर वाले प्लान के अंदर। तो यहाँ पे OTT नहीं मिलने वाला दोस्तों, लेकिन अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाले। लेकिन यही 399 का प्लान अगर आप साल भर के लिए लेते हैं, यस दोस्तों अगर साल भर के लिए लेते हैं एनुअल में दोस्तों, अगर मैं कैलकुलेशन बिठाता हूं इसी प्लान की 399 की, तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कितना फर्क आता है। इसके अंदर आपको और भी एक एडवांटेज मिलता है, जहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे एक महीना एक्स्ट्रा मिलता है। यस, 1 month एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा अगर आप एडवांस में पैसा देंगे, तो जियो फाइबर आपको एक महीना और देगा। आप ट्रायल बेस्ड आपको एक महीना तो फ्री मिल रहा है पहले वाला, लेकिन यहां पे दोस्तों आपको एक महीना और फ्री मिलेगा, जहां पे अगर आप यहां पे पूरे साल का पैसा देते हैं, पूरे साल का MRP आपका आएगा दोस्तों इंक्लूडिंग टैक्स 5650 यानी 5650 रुपए आएगा। लेकिन अगर आप एक साल के लिए नहीं जाते और सेमी एनुअल लेना, 6 महीने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या मिलेगा, तो मैं बताता हूं दोस्तों आपको मिलेगा 1 महीने और 3 महीने में तो ऑफर नहीं मिलती, लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए और एक साल के लिए जाते हैं तो आपको मिलेगा 6 महीने में आपको 15 दिन मिलेगा, और एक साल के लिए अगर आप जाते हैं जियो फाइबर के अंदर कोई भी प्लान ले लीजिए आप, तो वहां पे आपको एक साल के लिए दोस्तों, एक महीने का एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहां पे काम करता है। और बात करें दोस्तों यहां पे एयरटेल की, तो एयरटेल के दोस्तों जो भी प्लान है मैं बता दूं आपको, OTT एप्लीकेशन वगैरह यूज करनी है आपको तो 1499 और उसके ऊपर वाले जो प्लान है, 300 Mbps से ऊपर के जो प्लान है दोस्तों, वहां पे आपको OTT एप्लीकेशन का मजा मिलता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन, जहां पे हमने जियो गीगा फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को दोनों को कंपेयर किया। दोनों के प्लान दोस्तों ऑलमोस्ट सेम है, 100 रुपए का फर्क आता है दोस्तों, जहां पे जियो आपको 100 रुपए सस्ता लगता है 100 Mbps तक, लेकिन जैसे आप 150 Mbps में जाएंगे वहां पे दोस्तों आपको जियो से सस्ता आपको यहां पे लगने लगेगा एयरटेल, क्योंकि एयरटेल दोस्तों उससे सस्ता और आपको 200 Mbps की स्पीड देता है उसी प्राइस के अंदर। लेकिन अगर दोस्तों दोनों की बात करें, तो दोनों ही दोस्तों आपको OTT मसाला दे रहे हैं, सेटअप बॉक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पहले स्टार्टिंग में नया कनेक्शन लेंगे तो जियो दोस्तों दो ऑप्शन देगा, जहां पे अगर सेटअप बॉक्स लेना है आपको तो 2500 वाला लेना पड़ेगा, जहां पे आपको एक महीने के लिए सब कुछ फ्री है, लेकिन 2500 में आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा। लेकिन अगर बात करें एयरटेल की दोस्तों, तो एयरटेल के पास आपको सिर्फ 1500 रुपए देने पड़ेंगे, अमाउंट जो देनी पड़ेगी, जहां पे आपको सेटअप बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन एयरटेल का दोस्तों एक माइनस पॉइंट भी है कि एयरटेल दोस्तों आपको एक महीने की सर्विस फ्री नहीं दे रहा है। यस, अप फ्रंट पहले ही आपको एक महीने की सर्विस फ्री नहीं मिल रही ट्रायल के लिए, लेकिन जियो आपको पहले ही दिन से दोस्तों आपको एक महीने के लिए 150 Mbps वाला प्लान देता है अनलिमिटेड डेटा के साथ दोस्तों। उसके बाद आपको प्लान चूज करना है 399 वाला या दोस्तों उनका 699 वाला, या आपको सबसे महंगा 8500 वाला, जो भी प्लान आपको चूज करना आप कर सकते हैं, महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। लेकिन अगर दोस्तों इसमें आप 6 महीने के लिए जाते हैं तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 12 महीने के लिए जाएंगे तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों वर्सलिटी की बात कर ली जाए, बहुत सारी एडवांटेजेस की बात कर ली जाए, तो जियो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 20 है, एयरटेल यहाँ
पे 19 यहां पे आता है फ्रेंड्स। बाकी बात कर लीजिए कॉलिंग के लिए, तो लैंडलाइन दिया जाता है दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए, दोनों ही कंपनी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग यहां पे दे रही है। दोस्तों दोनों ही कंपनी तगड़े तगड़े प्लान लेके आई है, दोनों ही कंपनी दोस्तों फिलहाल इनका एआरपी तो डेफिनेटली गिरेगा क्योंकि बहुत सस्ता कर दिया इन्होंने अपने प्लान से। लेकिन हां सब्सक्राइबर बेस यहां पे बढ़ेगा, जो रिसर्च बता रही दोस्तों जियो वही काम कर रहा है जो दोस्तों जियो ने अपने जियो प्लान में किया था, जियो फाइबर में भी वही कर रहा है। जियो ने दोस्तों बहुत सस्ता दिया और सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया, कम प्रॉफिट में ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइबर लेके आया। वैसे ही कुछ दोस्तों इसका प्लानिंग है, आज दोस्तों जियो नंबर वन पे सब्सक्राइबर बेस में, वैसे ही दोस्तों एयरटेल भी सोच के उतरा है कि दोस्तों फिलहाल अगर हमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाने तो प्लान सस्ता करना पड़ेगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फ्यूचर में रेट भी बढ़ा के हम यहाँ पे सरप्लस कर लेंगे सारी चीजें। तो दोस्तों ये थी दोनों कंपटीशन, जहां पे एक तरफ एयरटेल एक्सट्रीम दूसरी तरफ जियो फाइबर, दोनों ही मेरे लिए विनर है दोस्तों क्योंकि दोनों ही अपनी जगह सही है दोस्तों, दोनों में ही ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चीजें होती। लेकिन अगर थोड़ा पॉइंट मुझे ज्यादा देना पड़े दोस्तों तो मैं यहां पे जियो को थोड़ा अपर एंड दूंगा क्योंकि जियो दोस्तों मुकेश अंबानी का जो वाइडर रेंज पे काम करते हैं, हर चीज बड़े लेवल पे काम करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें सेम है दोस्तों। आप मुझे बताइए आपको दोस्तों कौन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, या जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, दोस्तों दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है प्लीज नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ।